पीसीओडी कैसी कंडीशन है जिसमें विमेन की ओवरीज में मेल हॉर्मोन्स यानी एंड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और उसकी वजह से जो हॉर्मोनल इम्बेलेंस क्रिएट हो रहा है उससे एक्सेसिव फेशियल एंड बॉडी हेयर जिसे कहा जाता है सीवियर एक्ने हो जाना वेट गेन इनफर्टिलिटी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा रूट कॉज है पीसीओडी का और उस रूट कॉज के हिसाब से कौन सा फूड है जो आपको अवॉइड करना चाहिए कौन सा फूड आपको एड करना चाहिए रेगुलरली डाइट में जरूरत से ज्यादा फैट जब बढ़ता है तो पीसीओडी की संभावना और उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं गट हेल्थ डायरेक्टली रिलेटेड है अपने खाने में एड कर सकते हैं और करक्यूमिन एज अ सप्लीमेंट भी ले सकते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर और वो आपके पीसीओडी के सिम्टम्स को बहुत ज्यादा अच्छे से मैनेज करेगा पीसीओडी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिसीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें विमेन की ओवरीज में मेल हार्मोन्स यानी एंड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और उसकी वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है उससे ओवरीज़ में मल्टीपल सिस्ट डेवलप हो जाती है और बहुत सारे और भी सिम्टम्स एक फ़ीमेल जो है वो फेस करती है आज ऐसा पाया गया है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो रिप्रोडक्टिव एज में फीमेल्स होती है उसमें ट्वेंटी परसेंट तक की फ़ीमेल्स को पी सी ओ डी सफ़र करना पड़ता है और इवन इंडिया में देखा गया है कि ओवरऑल टेन टू ट्वेंटी परसेंट फीमेल्स पीसीओडी का सामना कर रहे हैं और इवन अर्बन पॉपुलेशन में तो ये आंकड़ा ट्वेंटी सिक्स टू थर्टी परसेंट तक गया है और इसीलिए इस पूरे पॉडकास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा रूट कॉज है पीसीओडी का और उस रूट कॉज के हिसाब से कौन सा फ़ूड है जो आपको अवॉइड करना चाहिए कौन सा फ़ूड आपको ऐड करना चाहिए रेगुलरली डाइट में और एट दी एंड मैं आपको लिस्ट देने वाली हूँ टॉप टेन फूड्स टू अवॉइड एंड टॉप टेन फूड्स टू एड अगर आपको पी है और आप उसे प्रिवेंट करना चाहते हैं उसके सिम्टम्स को रेमिशन में डालना चाहते हैं या आप ओवरऑल फ्यूचर में पीसीओडी को प्रिवेंट करना चाहते हैं इस पॉडकास्ट को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा कि जिनको अभी पीसीओडी का सामना करना पड़ रहा है या उन सभी फीमेल्स के साथ जो अपनी हार्मोनल हेल्थ को हमेशा हेल्दी रखना चाहते हैं इस पॉडकास्ट को आप एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी सुन सकते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज देखने के लिए फिट भारत मिशन को अब तक सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक ना किया हो अभी कर दीजिएगा वेलकम टू तो होलिस्टिक हेल्थ विची देसाई पी सी ओडी जनरली एटीन टू फोर्टी फोर ईयर ओल्ड जो फीमेल्स होती है उसमें पाया जाता है जिनकी रीप्रोडक्टिव एज होती है फिफ्टी परसेंट जितना रिस्क बढ़ जाता है डायबिटीज़ का टाइप टू डायबिटीज का जिनको पीसीओडी होता है और सेवेंटी uh, टू एट्टी परसेंट फीमेल्स जिनको पीसीओडी है उनको इनफर्टिलिटी या कंसीव करने में चैलेंजेस पाया जाता है अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टी परसेंट से भी ज़्यादा ऐसी फ़ीमेल्स हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनको पी है जब तक उनको इनफर्टिलिटी या डायबिटीज़ जैसे कॉम्प्लीकेशन डेवलप होना शुरू ना हो जाए अब ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो आपको डराने के लिए यूज़ नहीं करने हैं एम्पावर करने के लिए यूज करने है जो मैं हमेशा कहती हूँ प्रिवेंशन और अगर ऑलरेडी पीसीओ हो चुका है तो एक अवेयरनेस के साथ बदलाव छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करते हैं ताकि और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़े नहीं और फ्यूचर में अगर कोई आने वाले हैं उसे हम प्रिवेंट कर सके पीसीओडी के सिम्टम्स में क्या क्या आते हैं इरेग्युलर मैंट्रुअल साइकिल एक्सेसिव फेशियल एंड बॉडी हेयर जिसे हर्सुटिज्म कहा जाता है सीवियर एक्ने हो जाना या मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो जाना वेट गेन इनफर्टिलिटी एंजाइटी डिप्रेशन मूड स्विंग्स जैसे मेंटल इश्यूज़ अगर ऐसा कुछ भी फेस हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर या कोई एक्सपर्ट की सलाह से ज़रूरत पड़े तो रिपोर्ट्स निकलवा के डायग्नोस कर सकते हैं वेदर आपको पी है या नहीं है पी की जो तीन मेन वजह है रूट कॉजेज है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस इन्फ्लेमेशन एंड हार्मोनल इम्बैलेंस अब हर एक के लिए उसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं हर एक के लिए मैं आपको टॉप फूड्स टू अवॉइड एंड ऐड वो बात करने वाली हूँ सो सबसे पहले बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड टू मच ऑफ ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन अब इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके बॉडी के सेल्स जो है वो इंसुलिन की सुनना बंद कर देते हैं जिसकी वजह से ब्लड शुगर कॉन्स्टेंटली ज़्यादा रहता है अब कॉमन सेंस की बात है कि आपको ऐसा खाना अवॉइड करना चाहिए जो आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करे और ऐसा खाना ऐड करना चाहिए जो आपके ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करे बैलेंस करे कौन सा अवॉइड करना रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मैदा ब्रेड बिस्किट बर्गर पैकेज्ड फूड्स जो आपको सडन एक स्पाइक देता है ब्लड शुगर में उसे अवॉइड करना चाहिए और जब आप ऐसा खाना खाते हो तो आपके एंड्रोजन्स जो मेल हार्मोन्स हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपको इरेगुलर पीरियड्स वेट गेन और एक्ने बढ़ेंगे क्या ऐड करना होल ग्रेन्स रिफाइंड ग्रेन्स नहीं बट होल ग्रेन्स जो ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें फाइबर हाई होते हैं या जितने भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं वेजिटेबल इट इज रिच इन फाइबर तो वो आप ऐड कर सकते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स यानी कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब जो आपके ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करेंगे खट्टे फ्रूट्स हो सकते हैं बेरीज स्ट्रॉबेरीज गुआबा पोमग्रेनेट्स यानी अनार आवाकाडो कीवी वगैरह वगैरह आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपको लोकली सीजनली और रीजनली मिलते हैं ऑफकोर्स वो फ्रूट्स आप ऐड करेंगे हाई शुगर को अवॉइड करके जो लो शुगर या खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसे आप ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिए दूसरी जो वजह है दैट इज़ इन्फ्लेमेशन अब बॉडी में जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी बिना वजह आपका बॉडी जो है वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ब्लड में जब रिलीज़ करते रहता है तो वो पीसीओडी के साथ काफ़ी एसोसिएटेड होता है कुछ फूड्स जैसे रिफाइंड शुगर ट्रांस फैट अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स पैकेज फूड्स ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएंगे तो उसे अवॉइड करना है और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स जैसे लीफी ग्रीन्स जितने भी हरे पत्तों की सब्जियां हैं लोकली और सीजनली मिल जाते हैं जितने भी बेरीज़ हैं बेरीज़ आर हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स आल्सो, नट्स जैसे कि बादाम अखरोट भिगोकर खाना सीड्स भिगोकर या रोस्ट करके खाना और सबसे पावरफुल एंटी इन्फ्लीमेट्री फूड्स टर्मरिक यानी हल्दी या इवन सप्लीमेंट के फॉर्म में आप करक्यूमिन भी ले सकते हैं एक्सट्रीमली हेल्पफुल तीसरी जो वजह है दैट इज़ हार्मोनल इंबैलेंस। ऐसा खाना जब आप खाते हैं जो प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड है जो टू मच ऑफ़ ट्रांस फैट और टू मच ऑफ शुगर सोडियम से बना हुआ है वो खाना ना सिर्फ इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा बट साथ में हार्मोनल इंबैलेंस को भी बढ़ाता है उससे हर्सुटिज्म एक्सेसिव जो बॉडी पे हेयर ग्रो होते हैं वो उसकी वजह से बढ़ेंगे इवन वेट गेन भी उसकी वजह से ज़्यादा होगा कौन सा खाना ऐड करना हार्मोनल बैलेंस के लिए नंबर वन फूड फॉर हार्मोनल बैलेंसेस ओमेगा थ्री रिच फूड्स हेल्दी फैट फैट से डरना नहीं है अनहेल्दी फैट से डरना है सो so, जैसे कि ओमेगा थ्री की जब हम बात करें तो इट कुड बी फ्लैक्स सीड्स चिया सीड्स वॉलट्स वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में भी करेंगे और आपके हॉर्मोन को बैलेंस करने के लिए भी करेंगे अगर अच्छी क्वालिटी का घी है आप यूज़ करते हैं वन टी इन लंच एंड डिनर इज़ एप्सल्यूटली फाइन गुड क्वालिटी चौथा रूट कॉज है पी का एंड दैट इज़ ओबेसिटी ज़रूरत से ज़्यादा फैट जब बढ़ता है तो पी की संभावना और उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं सो so, हमारा काम ये होना चाहिए कि हम एक्सेसिव फैट को बॉडी में से दूर करें जिसके लिए जो भी हाई कैलरी और न्यूट्रिएंट पुअर फूड है मतलब कि एम्प्टी कैलरीज़ है कैलरीज भर भर के मिल रही है बट न्यूट्रिएंट्स उसमें बिल्कुल नहीं है जैसे कि फ्राइड स्नैक्स हुए फ्रोजन फूड्स हुआ शुगरी ड्रिंक्स हुए कोला सोडा सबसे डेंजरस चीज़ है पीसीओडी में प्रोसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना ये सब आपके पीसीओडी सिम्टम्स को बढ़ाएंगे कौन सा खाना ऐड करना हाई प्रोटीन गुड क्वालिटी प्रोटीन हर मील में होना चाहिए वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कौन सा लेना आप दूसरे मेरे वीडियोस देख सकते हैं इनफ प्रोटीन जब आप डाइट में ऐड करते हैं इसकी वजह से आपको जो फुलनेस वाला फीलिंग है वो आएगा आप ओवर ईट नहीं करोगे जिससे वेट मैनेज इजीली हो पाएगा इवन आपको वेट मैनेज करने के लिए हेल्दी फैट और फाइबर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं सो so उसे भी आप ऐड कर दीजिए पाँचवा जो रूट कॉज है दैट इज गट हेल्थ आपका गट अगर खराब है तो वो सीधा आपके बॉडी के कोई भी ऑर्गन को डैमेज करेगा इंक्लूडिंग योर ओवरीज तो गट हेल्थ डायरेक्टली रिलेटेड है आपके हार्मोनल हेल्थ के साथ तो जितना बेटर गट माइक्रोबायोम होगा उतना बेटर आपका हार्मोनल हेल्थ होगा विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग पी सी ओ डी सो कौन सा फूड आप ऐड कर सकते हैं फॉर बेटर गट हेल्थ सबसे पहला फूड जो गट हेल्थ के लिए अच्छा है वो आपको ऐड करना है एंड दैट इज़ प्रोबायोटिक फूड्स सो प्रोबायोटिक मतलब गुड बैक्टीरिया जैसे कि आप दही या बटर मिल्क घर पे बनाया हुआ अचार फर्मेंटेड फ़ूड्स लाइक साउथ इंडियन फूड्स अगर आप ऐड करते हैं या सावक रॉथ कीमची जैसी चीज़ें जो आसानी से अब मिल जाती है अगर आप ये ऐड करते हैं तो आपका गट माइक्रोबायोम काफ़ी बेटर होगा और प्रीबायोटिक फूड्स यानी कि फाइबर रिच फूड्स वो भी आपको हेल्प करेगा गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक और चीज़ आपको पीसीओडी में हेल्प करेगी एंड दैट इज़ मिल्क और ग्लूटन जो गेहूं में पाया जाता है वो इसीलिए एलिमिनेट करना है ज़्यादातर फीमेल्स को जिनको पीसीओडी है क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन बॉडी में क्रिएट करेगा कुछ लोगों को गट हेल्थ डैमेज करेगा सो कुछ समय तक अगर आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं ग्रेट आप नॉन डेरी मिल्क या नॉन ग्लूटन ग्लूटन फ्री ग्रेन्स जो होते हैं उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को अवॉइड करना है हर बॉडी डिफरेंट है और इसीलिए एवरीबॉडी इज़ यूनिक तो आपको देखना है कि आपको क्या सूट कर रहा है आपको पीसीओडी में इवन एंड्रोजन लेवल्स जो आपके मेल हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे रिड्यूस करने पे भी फोकस होना चाहिए और उसके लिए रिफाइंड शुगर जितना आप अवॉइड कर सकते हैं और अनहेल्दी या ट्रांस फैट अवॉइड कर सकते हैं वो आपके एक्ने और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा स्पियर मिंट टी या फ्लेक्स सीड्स या ओमेगा थ्री रिच फूड्स फैटी एसिड्स गुड क्वालिटी फैट्स ये सब आपके एंड्रोजन लेवल्स यानी जो टेस्टोस्टेरॉन जैसे हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे कम करने में और उसे बैलेंस करने में हेल्प करने वाला है तो हमने बहुत सारी बात करी अभी क्या रूट कॉजेज है और उसके हिसाब से कौन सा फूड आपको ऐड करना आप चलो डायरेक्टली मैं आपको बहुत ब्रीफली बता देती हूँ टॉप टेन फूड्स टू अवॉइड और फिर उसके बाद बताती हूँ टॉप टेन फूड्स टू एड फॉर पी सबसे पहला जो आपको अवॉइड करना है दैट इज़ रिफ़ाइन काप्स तो जितना भी ब्रेड बर्गर पिज्ज़ा मैंदे से बनी हुई चीज़ें वो पास्ता या पेस्ट्रीज़ जैसी चीज़ें हो सकती है उसे अवॉइड कीजिए हाई ग्लाइसेमिक फूड जो होते हैं हाई शुगर फूड्स जो आपके ब्लड शुगर को बढ़ा दे उसे आपको रिड्यूस करना है या एलिमिनेट करना है और उसके बदले आप ग्रेन्स प्रेफर कीजिए दूसरा हाई शुगर फूड्स एंड ड्रिंक्स सोडा कोला पैकेज्ड जूसेस और जितनी भी रेडीमेड टी मिलती है जो स्वीट टी होती है उसे भी आप अवॉइड कीजिए जो रेडीमेड होता है इसके बदले आप इन्फ्यूज वाटर और हर्बल टी और कोकोनट वाटर जैसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं तीसरा फ्राइड फूड एस्पेश जो बाहर से मिलता है या रेस्टोरेंट में या पैकेज फूड में मिलता है उसे अवॉइड कीजिए जैसे कि चिप्स या फ्रेंच फ्राइज़ हो सकते हैं बाहर के या पकौड़ा जैसी चीज़ें और समोसा एटलीस्ट कुछ समय तक उसे एलिमिनेट करके ऐसा खाना आप ऐड कर सकते हैं जो हो सके तो बेक्ड आपको अच्छा लगता है तो बेक्ड वुड ऑलवेज बी बेटर चौथा है डेयरी प्रोडक्ट्स एस्पेश मिल्क चीज़ क्रीम जैसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए आपके एंड्रोजन लेवल्स को वो बढ़ाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है और आप प्लांट बेस्ड मिल्क टेम्पररीली स्विच कर सकते हैं जैसे आमंड मिल्क हुआ कोकोनट मिल्क हुआ ओट मिल्क हुआ पांचवा है आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे एस्पर्टीम एंड सुक्रालोस ये आपके गट हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा और इंसुलिन सेंसिटिविटी को ख़राब करेगा सो so, आप नेचुरल स्वीटनर्स जैसे कि गुड क्वालिटी रॉ शुगर इस फाइन मैंने शुगर के ऊपर वैसे पूरा पॉडकास्ट किया है बट अगर आप ब्लड शुगर को भी बैलेंस करना चाहते हैं और नेचुरल स्वीटनर्स चाहते हैं तो स्टीविया मंग फ्रूट जैसी चीज़ें आप ले सकते हैं हनी मॉडरेशन में लिया जा सकता है छठा है हाई शुगर फ्रूट्स जैसे मैंगो रोज ग्रेप्स जैसी चीज़ें अगर आप अवॉइड कर सकते हैं ग्रेट फॉर सम टाइम और उसके बदले आप लो जीआई फ्रूट्स की जो हमने बात करी जैसे गवाबा है या बेरीज एप्पल्स वगैरह आप ले सकते हैं सातवा है अल्कोहल alcohol. आल्कोहल किसी के लिए भी अच्छा नहीं है बट स्पेशली अगर पीसीओडी है तो उसे ज़रूर अवॉइड करना चाहिए आप हो सके उतना लिमिट uh, कर सकते हैं या टोटली totally अवॉइड कर दे नथिंग लाइक इट आठवा है पैकेज और रेडीमेड फ़ूड्स जो रेडी टू ईट मील्स आते हैं जैसे नूडल्स हुए इंस्टेंट नूडल्स हुए फ़्रोजन मील्स हुए इसमें सोडियम हाई होता है प्रिजरवेटिव और अन एल्दी फैट्स होते हैं जो आपको अवॉइड ज़रूर करने चाहिए आप हो सके उतना घर पर बनाकर मील्स जितने ज़्यादा ले सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा नाइन्थ इज़ कैफ़िनेटेड beverages वो कॉफ़ी एनर्जी ड्रिंक्स जैसी चीज़ें हो सकती है या एक्सेसिव चाय हो सकती है बिकॉज इससे कॉटिजॉल लेवल बढ़ता है ज़रूरत से ज़्यादा लेने के लिए और जब हॉर्मोनल इम्बेलेंस बढ़ेगा ऑफकोर्स वो आपके पी सी ओ डी को अफेक्ट करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी बंद कर दीजिए चाय कॉफ़ी जैसी चीज़ें बट अगर आप बंद करते हैं कुछ समय तक तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आप अगर ग्रीन टी या हर्बल टी पे स्विच कर सकते हैं नथिंग लाइक इट और आखिरी जो है वो है ग्लूटन जो ज़्यादातर गेहूं में पाया जाता है आप ग्लूटन को अगर अवॉइड करके आप ग्लूटन फ्री ग्रेन्स ले सकते हैं या मिलेट्स ले सकते हैं वो सबसे बेस्ट रहेगा ये था टॉप टेन फूड्स टू तो अवॉइड अब बात करते हैं टॉप टेन फूड्स टू तो एड फॉर पी नंबर वन लीफी ग्रीन्स पालक या मेथी कोरिएंडर मिंट लीव्स पुदीने के पत्ते वगैरह वगैरह अगर आप ऐड कर सकते हैं तो वो आयन में हाई होते हैं मैग्नीशियम होता है इंसुलिन लेवल को वो बैलेंस करता है और वो आपके इन्फ्लेमेशन को कम करता है प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें ज़्यादा होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल एवरी डे एटलीस्ट एक बार फीमेल को ज़रूर ऐड करना चाहिए बट बहुत सारी फ़ीमेल्स मुझे कहते हैं कि कभी कभी संभव नहीं होता है कि घर में उसका हम कुछ यू नो फ्रेश प्रिपेर कर सके और मैंने मेरी खुद की सप्लीमेंट ब्रांड आर एच एन जो है उसके माध्यम से सुपर ग्रीनस लॉन्च किया था और पिछले दो सालों में पीपल हैव लव्ड इट सुपर ग्रीन से आपको एंटीऑक्सीडेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट और अल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है जिसकी वजह से गट इजीली गट हेल्थ इम्प्रूव होती है डिटॉक्स होता है और आपका ओवरऑल स्किन हॉर्मोन ओवरऑल वेलबींग जो है वो इम्प्रूव होता है सो so, अगर आपने अभी तक आरचन सुपर ग्रीन ट्राई ना किया हो आप कमेंट में उसके लिंक चेक कर सकते हैं आई हाईली रेकमेंड सेकेंड फूड्स टू एड इज टर्मरिक और करक्यूमिन आप चाहें तो हल्दी रेगुलर बेसिस पे अपने खाने में ऐड कर सकते हैं और करक्यूमिन एज अ सप्लीमेंट भी ले सकते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है उसके अंदर और वो आपके पी के सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज करेगा तीसरा है हाई फाइबर वेजिटेबल्स ब्रोकली कॉलीफ्लावर बेल पेपर्स जैसी चीज़ें जिसमें फाइबर भी हाई होता है एंटी भी हाई होता है वो आपके वेट को भी मैनेज करेगा और आपके इंसुलिन लेवल्स को भी इम्प्रूव करेगा एज आई सेड आप उसको सेलेड के फॉर्म में ले सकते हैं या थोड़ा सा रोस्ट करके स्टीम करके या सब्जी बनाकर भी ले सकते हैं चौथा है होल ग्रेन्स इंस्टेड ऑफ रिफाइंड ग्रेन्स या इवन मिलेट्स हो सकते हैं जवार या रागी जैसी चीजें हो सकता है उसी के साथ साथ फ्रूट्स जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है जैसे कि बेरीज या एप्पल्स छठा है हेल्दी फैट्स ओमेगा थ्री रिच फूड्स जैसे कि नट्स सीड्स या फ्लैक्स सीड्स चिया सीड्स जैसी चीज़ है सातवा है गुड क्वालिटी प्रोटीन सो वेजिटेरियन सोर्सेज में जितने भी लेंटल्स पल्स लेग्यूम्स हैं नट्स एंड सीड्स स्प्राउट्स वगैरह आप एड जरूर कीजिए आठवा है सिनेमन या दालचीनी आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प करने वाला है आप उसकी हर्बल टी भी बना सकते हैं या खाने में ऐड कर सकते हैं नाइन्थ इज फॉर्मेंटेड फूड्स प्रोबायोटिक रिच फूड्स जैसे योगर्ट सावक्रॉथ किमची होम मेड आचार और आखिरी है हाइड्रेशन यस इनफ वाटर भी जरूरी है पूरे दिन के दौरान ढाई लीटर के आसपास अगर आप पानी पीते हैं दे बी ग्रेट ऑल राइट सो हमने जाना कि पीसीओडी क्या होता है सिम्टम्स क्या होते हैं उसके रूट कॉजेज़ क्या है और रूट कॉजेज के हिसाब से कौन सा खाना ऐड करना अवॉइड करना टॉप टेन फूड्स टू एड एंड अवॉइड वो भी देखा आई होप आपने इन्जॉय किया इस पॉडकास्ट को ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जो इस नॉलेज की मदद से अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं फिट भारत मिशन को अब तक सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक ना किया हो अभी कर दीजिएगा कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि आपको मजा आ रहा है एंजॉय कर रहे हैं और आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है कि नहीं ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में हम लेकर आएंगे जरूर मुझे सजेशन भी दीजिएगा और क्या जानना चाहेंगे एज यू नो इसे आप एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी सुन सकते हैं जल्द ही मिलेंगे वोलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई में तब तक याद रखिए अगर हेल्थ है तो सब है